दक्षिणी ब्राजील में चक्रवात के कारण आई बाढ़ से कई शहरों में घर पानी में बह गए, वाहन पानी में फंस गए और कई सड़कों में पानी भर गया। बाढ़ का पानी भले ही कम हो गया लेकिन बाढ़ ने किस कदर तबाही मचाई है उसके निशान साफ देखे जा सकते हैं। घरें गिर चुके हैं, सड़कें बर्बाद हो चुके हैं। अब लोगों के सामने बड़ी चुनौती, बाढ़ के बाद कीचड़ को हटाने का काम किया जा रहा है। लोगों की शिकायत है कि सरकार की तरफ से उन्हें मदद नहीं मिल रही। दरअसल रियो गार्ड सो शुल में बाढ़, बारिश और तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बुनियादी सुविधाएं एक तरफ से खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात ग्रीस की करते हैं। ग्रीस पर मौसम की मार ऐसी पड़ रही है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहां पर बाढ़ आ गई और राजधानी एथेंस तक को डुबो दिया है इस बाढ़। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने ग्रीस को बेहाल कर दिया। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर को लगाया गया है। भारी संख्या में महिलाओं और बच्चों के साथ साथ बुजुर्गों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ के चपेट में आने वाले 8 लोगों की मौत हो गई है। सैलाब में कई गाड़ियां बह चुकी हैं, काफी घरों को भी नुकसान पहुंचा है।